यूपी में किसको मिलेगी सियासत की संजीवनी और मिशन 2022 के लिए राजनीति के केंद्र में है अयोध्या। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे राष्ट्रीय खबर टीवी, मैं हूँ आपके साथ अंशित। मिशन 2022 के लिए सियासत तैयारियों का आगाज हो चुका है। फिलहाल केंद्र में लखनऊ नहीं रामनगरी अयोध्या है। कभी सबसे और सबसे चर्चित अदालती मुकदमे की वजह से सुर्खियों में रहने वाली अयोध्या, सरकार बनाने और गिराने की ताकत रखने वाली अयोध्या एक बार फिर राजनेताओं के बयान में और राजनीतिक दलों की चुनावी तैयारियों के एजेंडे में सबसे ऊपर दिख रही है। दरअसल ये वो संजीवनी है जिसको सभी दल पाना चाहते हैं। देखिए राष्ट्रीय खबर की इस खास रिपोर्ट में क्या है कुछ खास। ये वही अयोध्या है जिसको भाजपा ने शून्य से शिखर तक पहुंचाया था। अब केंद्र और यूपी में सरकार और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर निर्माण शुरू होने पर भी पार्टी का पूरा फोकस अयोध्या पर है। दीपोत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। योगी सरकार इस कार्यकाल के आखिरी दीपोत्सव को अब तक का भव्य आयोजन बनाने की तैयारी में है। कहा तो ये भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसके साक्षी बनने वाले हैं। हालांकि इसको लेकर अभी कोई घोषणा नहीं हुई है, पर तैयारियां बता रही हैं कि आयोजन बेहद ही खास होगा। 5 अगस्त को अन्न महोत्सव में खुद यूपी के मुख्यमंत्री ने अयोध्या पहुंचकर साबित कर दिया है कि भले ही मंदिर आंदोलन खत्म हो गया हो और मंदिर का निर्माण शुरू हो गया हो, पर बीजेपी अयोध्या और श्रीराम से अपना ध्यान नहीं हटाने वाली है। हाल ही में कल्याण सिंह के निधन के बाद राम मंदिर जाने वाले एक मुख्य मार्ग का नाम कल्याण सिंह के नाम पर रखकर बीजेपी ने इस बात से खुद को जोड़ा है। दरअसल बीजेपी इस बात को सामने रखकर अपनी राजनीति को दोहराना चाहती है। साथ ही ये बताना चाहती है कि जब बहुसंख्यक हिंदुओं के राम मंदिर और उनकी राम जन्मभूमि अयोध्या की बात करने से अन्य सियासी दल डरते थे कि मुस्लिम वोट बैंक ना चला जाए, तब बीजेपी अयोध्या और राम की बात किया करती थी। इस बीच को लेकर विपक्ष ने भी अलग रणनीति अपनाई है। कभी जिनके सम्मेलनों ने बीजेपी को रोकने के लिए मिले मुलायम कांची राम हवा में उड़ गए, जय श्री राम के नारे लगते थे, उन्हीं बीएसपी सुप्रीमो के सामने सम्मेलन के समापन पर जय राम जय श्री राम के नारे लगे। मायावती ने त्रिशूल हाथ में लेकर ये बताने की कोशिश की कि बहुसंख्यक और खास तौर पर ब्राह्मणों के लिए भावनात्मक मुद्दा रहे राम और अयोध्या से उन्हें कोई परहेज नहीं है। इससे पहले पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने दर्शन करके संदेश दिया था। तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी उन पार्टियों में है जिन्होंने अयोध्या और राम मंदिर को लेकर बीजेपी की आलोचना की। बल्कि मनीष सिसोदिया ने तो अपने ट्वीट के जरिए दिसंबर 2018 में फैसले से पहले यहां तक कह दिया था कि जहां अयोध्या मंदिर है वहां यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए और उसमें सभी धर्मों के छात्रों को, यहां तक कि विदेशी छात्रों को भी शिक्षा मिलनी चाहिए। जबकि इस बार उन्होंने अयोध्या ने न सिर्फ तिरंगा यात्रा निकाली बल्कि सरयू किनारे फोटो ट्वीट कर राम लल्ला और माँ सरयू से आशीर्वाद लेकर यूपी के लिए संकल्प की बात कही। तो वहीं समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो सपा का अयोध्या को लेकर बयान कई बार आ चुका है। अयोध्या के विकास करने की बात अखिलेश यादव करते रहे हैं तो सपा के कई कार्यक्रम भी वहां से शुरू करने की बात स्थानीय नेताओं ने की है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीदी ने भी अयोध्या पहुंचकर स्थानीय लोगों के साथ मुलाकात की और बैठकें भी की। अयोध्या में पिछले 37 साल से पत्रकारिता करने वालों से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि ये आगे की तैयारी है, क्योंकि 2022 ही नहीं 2024 का चुनाव भी अयोध्या की पृष्ठभूमि में रखकर होगा। अयोध्या आने की वजह सबके पास है, लेकिन भाजपा के पास ये बताने के लिए कि मंदिर का निर्माण हमने करवाया है और अन्य दलों के पास ये कहने के लिए कि हम राम विरोधी नहीं है, जिससे लोग उनसे नाराज ना हो। सियासत में अयोध्या अभी भी केंद्र रहेगी। मंदिर आंदोलन के दौरान राजनीति के केंद्र में रही अयोध्या ने अहम भूमिका निभाई है, पर मंदिर बनने की शुरुआत होने के बाद भी अयोध्या केंद्र में रहेगी। अयोध्या के वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि अयोध्या में भले ही ये बात समझ में आए, पर बाहर और खास तौर पर यूपी में आज भी अयोध्या के नाम का असर होता है। राजनीतिक दल इस बात को जानते हैं। राष्ट्रीय खबर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।